खबर रायपुर से देखेंगे आप। अजय जी नगर थाने में कोरोना का कहर देखा गया है, कोरोना की चपेट में आए 9 पुलिसकर्मी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, पहले भी 11 लोगों को कोरोना हो चुका है, थाने में अब तक 20 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो कोरोना का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जीडी नगर थाने की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 9 पुलिसकर्मी पहले अभी चपेट में आए, पहले भी इसकी चपेट में लोग आ चुके हैं। हेमंत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे कोरोना का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो संख्या तो कोरोना पॉजिटिव के निकल कर आ रही है वो काफी डराने वाली है, क्योंकि कल जिस तरीके से रायपुर में ही 600 से ज्यादा जो मामले हैं वो निकल कर सामने आए थे। और अगर आज की बात की जाए तो जो शहर का डीजी नगर थाना है वहाँ से 9 पुलिसकर्मी संक्रमित मिले हैं, और जो जानकारी अभी तक निकल कर सामने है उससे पहले जो 11 पुलिसकर्मी हैं जो थाने में पदस्थ हैं, कामकाज वो कर रहे थे, वो पहले पॉजिटिव आए थे और बाकी लोगों का उसके बाद टेस्ट कराया गया था, जिसमें से 9 लोगों की जो रिपोर्ट है वो फिर से पॉजिटिव आई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आंकड़ा 20 पहुंच गया है। जयनगर थाने में 20 जो पुलिसकर्मी है वो संक्रमित पाए गए हैं, सभी को निजी अस्पताल और कुछ लोगों को जो एम्स में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जो थाना प्रभारी है उपेंद्र कपाटे, उनकी रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी पॉजिटिव निकल कर सामने आए हैं उसके बाद जो डीडी नगर थाना है उसको सील कर दिया गया है, और आगामी आदेश तक जो डीडी नगर थाने के कामकाज का जिम्मा है वो पुरानी बस्ती और सरस्वती नगर थाने को सौंपा गया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए हेमंत।